नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। प्रदेश नंबर 2 के 4 मंत्रालय सचिव विहीन रहल संबंधी प्रसंग साहब महीनों सा प्रदेश नंबर 2 के 4 मंत्रालय सचिव विहीन बनल है। मंत्रालय में सचिव नहीं भेला पर प्रदेश सरकार के काम प्रभावित होते रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सहित 4 मंत्रालय में एखन सचिव नहीं रहल है। आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय, मुख्यमंत्री राउत संगे रहल वाणिज्य तथा आपूर्ति आ कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मंत्रालय एखन सचिव विहीन रहल है। भादो में आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय के सचिव सरवा भेलाक बाद उनकर स्थान में दोसर सचिव नहीं आ सकल है। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय में सेहो 2 महीना से सचिव विहीन रहल है। मुख्यमंत्री संग रहल 2 मंत्रालय के एखन कार्यालय आ कर्मचारी सेहो व्यवस्थापन होब नहीं सकल है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में 3 गोट सचिव हो पड़बाक में एखन 1 गोट के भर में मात्र चलते आबि रहल है। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनाली मंत्रालय के नेतृत्व करवला सचिव पठाब संघीय मंत्रालय में बेर बेर आग्रह केने बतौलनि। एहन सँ सचिव नहि भेला पर मंत्रालय के प्रशासनिक गतिविधि रोकायल हुनकर कहब रहल छनि। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड न्यायालय में देखल गेल समस्या जल्दी समाधान होयत बतौने छथि। अध्यक्ष दहाल न्यायालय के समस्या 1-2 दिन भीतर अदालत से ठीक भ जायत बतौलनि। आज जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग बातचीत करैत दहाल समस्या के जल्दी से जल्दी समाधान कर गठबंधन सरकार अपन अपन ठाम से पहल कर रहल बतौलनि। ओ कहलनि आशा करी विवाद ओही ठाम से ठीक भ जाय। बोले त हामीले सुनिहाल्नु भयो नि, हिजो 5 दलीय गठबन्धनको जो समन्वय समिति छ त्यसको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले अदालतमा देखा परेको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यो समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको र त्यसको निम्ति सबै पक्षले आआफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेको भनेर हामीले एउटा सन्तुलित वक्तव्य दिएका छौँ। हामी 1-2 दिन आशा गर्छौँ कि समस्या अदालतभित्रबाटै समाधान होस्, त्यही हिसाबले हिजो हामीले बोलेका छौँ। अदालतमै देखल गेल समस्या 1-2 दिनमै समाधान नै भेल त राजनीतिक रूप में हल कल जेबा अध्यक्ष दहाल बतौलन। सरकार के सहयोग कर गठित 5 दलीय गठबंधन समन्वय समिति के बैसार से संतुलित वक्तव्य द चुकल कहत ओ अ विषय में थप बाज आवश्यक नहीं रहल हुनकर कहब छल। लोकसभा के पूर्व सांसद समेत रहल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री दलित के समस्या नेपाल में सेहो भारत में जेहने रहल बतौने छथि। नेपाल भ्रमण के क्रम में अभिनसर जनकपुर धाम पहुँचल ओ संचारकर्मी संग बातचीत करैत सामाजिक आ धार्मिक स्वरूप एकैटा रहला से दलित सब की समस्या सेहो ओहने रहल बतौलनि। ओ भारत प्रति एहिठमन के सब जनता के दिल में प्रेम आ स्नेह देखने सेहो बतौलनि। ओ किछ नेता संग भेटघाट भेल रहितो अपने राजनीतिक भ्रमण में एहिठमन नहि आयल बतौने छलखिन। पूरे नेपाल का मैं आभार और मुझे अच्छा भी लगा कि इतनी सामाजिक सौहार्द यहाँ पर है तो दलित समाज का भी उत्थान और उनको विकास की मुख्य धारा में लाने से अब उनको कोई रोक नहीं सकता है, उनका भी जम्मू की विकास होगा। ये मेरी एक तरह से पूर्ण रूपेण सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा है और सामाजिक उत्थान पर ही मैंने हर जगह पर अपनी बातें रखी और यही अपेक्षा किया कि समाज में एक सौहार्द बने, दलित समाज जो अपने को अलग अलग और पिछड़ा महसूस करता है, दबा हुआ महसूस करता है, उसका भी सामाजिक आर्थिक
शैक्षणिक और राजनीतिक विकास हो सके, यही अपेक्षा है। शास्त्री अपने सामाजिक आ धार्मिक यात्रा में आयल आ एठमन सामाजिक तथा किस धार्मिक संघ संगठन संग अपन अंतरक्रिया रहल बतौलन। जनकपुर धाम में उनका दलित अगुवा तथा मधेशवादी दल के नेता सब स्वागत कने छ। अपन काव्य प्रतिभा आ विद्वता के कारण मैथिली जनमानस में पर्याप्त सम्मान आ आदर पाने कवि कोकिल विद्यापति की स्मृति एवं याद में मैथिली साहित्य परिषद सप्तरी विविध कार्यक्रम के आयोजना कलक विद्यापति स्मृति पावन समारोह के तीन दिन कार्यक्रम के अंतिम दिन आई झांकी प्रदर्शन श्रद्धांजलि तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के आयोजना कैल गया। स्थानीय पब्लिक बिंदेश्वरी माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण से विद्यापति के महत्व झलकय वाला आकर्षक झांकी सहित निकलल जुलूस नगर परिक्रमा पश्चात मैथिली भवन में पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोह में परिणत हो। सभा के वक्ता सब विद्यापति के प्रतिभा आ विद्वता बारे में अपन अपन विचार व्यक्त कने छला। विद्यापति स्मृति दिवस हरेक मैथिल ले मनबैत आबे ये यहाँ के मैथिली साहित्य परिषद राजविराज विगत तीन दशक से बेसी से पर्व मना रहल छी हमसब। अइमे कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन विद्यापति के मृत्यु के तिथि मानल जाइ छै। विद्यापति जी के अपने लिखल छै विद्यापति के आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी का, तैं हमरा सबके कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के मनबै छी। अइ साल हमसब तीन दिवसीय कार्यक्रम के रूप में एकरा मनेलहुँ हैं। जाहिमे पहिल दिन मिथिलाक्षर लेखन प्रतियोगिता भेल रहै, दोसर दिन साहित्यिक गोष्ठी आ आइ तेसर दिन हमसब झाँकी सङ्गे जा रहल छी और विद्यापति के झाँकी हमरा सबके अइ सामने में अछि और हमसब विद्यापति के झाँकी सङ्गे कार्यक्रम मनाब जा रहा है। अब आई हम मैथिली भवन में अखन तीन टा चारि टा सम्मान वितरण करें पर्व के श्रद्धांजलि सभा के संग अंत करब। धन्यवाद। ओहि अवसर में बेर के शिवदत्त मिश्र स्मृति पुरस्कार से विवेकानंद मिश्र आ विजेंद्र विनोद स्मृति कला पुरस्कार से कुंदन मंडल पप्पू के सम्मान कयल गेल अछि। तहिना लक्ष्मी विवेक मैथिली पत्रकारिता पुरस्कार से विष्णु मंडल आ शोभादेवी स्मृति पुरस्कार से मंजू श्रेष्ठ के सम्मानित कयल गेल। मैथिली साहित्य परिषद के अध्यक्ष सतीश कुमार दत्त जानकारी देलनि। इससे पहले परिषद द्वारा तीन दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत पहल दिन मिथिला अक्षर लेखन प्रतियोगिता आ दोसर दिन साहित्यिक गोष्ठी के आयोजना कयल गेल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपन पार्टी भौतिक रूप में मात्र नहीं भक वैचारिक रूप में सेहो मजबूत रहल बतौने छथि। आई बांके के नेपालगंज में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष ओली जनता पहुँचल ठाव में आरो मजबूत भक एमाले पहुँचल बतौने छथि। नेकपा एमाले के डरा कर चंदा उठाबे वाला पार्टी नहीं रहल कहे ओली एमाले मन लक काम के विश्वास जीत कर जनता के बीच जाय वाला पार्टी रहल उल्लेख कलन। वो अपन सरकार लोड शेडिंग अंत लगात के विकास के काज के लिए दावी कलन। ओली एखन सरकार में रहल व्यक्ति सब जनादेश से नहीं भक परमादेश से आयल व्यक्ति सब रहल कहे उनका सबके ध्यान देश विकास में नहीं रहल जिक्र कने छलखे। नेपाल जनादेश सब भन्दा ठुलो पार्टीको भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारै हुन नपर्ने भनेर अदालतले फैसला गर्छ। यो न तमा सक्यो कति सके दस मिटरका दरले बग्ने गरेको पानी त्यो पानी हामीले आजबाट दिने गरी अहिले काम गर्छ। तराईका जिल्लाहरू विभागमा परेपछि म भारत जाँदा मैले भारत सरकारसँग कुरा गरेर युवा खोल्नका लागि वार्ता गरेर लक्ष्मणपुर बाँध लगाए राप्तीको दोलान राप्तीको पुल यहाँको नहर शिक्षा नहर जाल झेल गरेर शिक्षा नहर सर्व नदिएर पैसाको कारोबार र लेनदेन भइरहेको थियो। बाँध भत्काएर नहरको बाँध भत्काएर
कार्यक्रम में विभिन्न दल सह पहुंचल कार्यकर्ता के ओली एमाले प्रवेश कराने नेपाल में आई थप 412 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कैल गए 10,106 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 363 गोट आ 1,887 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 49 गोट में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक आई संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,13,258 पहुंचल तहिना कोरोना के कारण थप 1 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11,483 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल तहिना थप 202 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,98,916 गोट कोरोना मुक्त बनल एखन नेपाल में 7,636 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 99 गोट क्वारंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक। प्रदेश नंबर 1 में मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार राय विश्वास के मत पौने। प्रदेश नंबर 1 प्रदेश सभा में आई भेल मतदान के क्रम में मुख्यमंत्री राय के पक्ष में 50 मत प्राप्त कल छल तहिना विश्वास के मत के प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त कल छल। राय के सत्ता गठबंधन के कांग्रेस माओवादी केंद्र एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी लगायत सांसद सब मत देने प्रमुख विपक्ष एमाले विपक्ष में मतदान कने छल। मुख्यमंत्री राय प्राप्त कने मत प्रदेश सभा के बहुमत भेला सँ विश्वास के मत प्राप्त कने सभामुख प्रदीप कुमार भंडारी जानकारी देने। मुख्यमंत्री राय कार्तिक 16 गते मुख्यमंत्री बनल छलथ। श्रम तथा रोजगार मंत्री किसान श्रेष्ठ ताहाचली स्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय में अनुगमन करैत सेवा प्रवाह के चुस्त बनाबा निर्देशन देने छथि। आई आकस्मिक अनुगमन के क्रम में वैदेशिक रोजगार कार्यालय पहुंचल मंत्री श्रेष्ठ सेवाग्राही के बहुत उपराग एलाक बाद सेवा प्रवाह के जल्दी से जल्दी नीक कर निर्देशन देने करीब 2 घंटा के अनुगमन के क्रम में मंत्री श्रेष्ठ कार्यालय से होते आयल काम सब के बारे में जानकारी लेने छलथ। अनुगमन के बाद मंत्री श्रेष्ठ बृहस्पति दिन से सेवा प्रवाह में सुधार करवा काज कर निर्देशन देने जानकारी दिलन तहना टोकन सिस्टम में देखल गेल समस्या समाधानक लेल सेहो ओ निर्देशन देने छलथ। श्रमिक सबके नियत बस दुख देवे वाला कोनो भी काज नहीं कर निर्देशन दे सेवा प्रवाह में कोनो कानूनी झंझट सब भेल त समाधान करपाक मंत्री श्रेष्ठ बतौने छलखे। चाहिने सेवाग्राहीहरुको पनि हैन सबैको कुरा सुने कर्मचारी साथीहरुसँग पनि म यहाँ बसे केही कुराहरु तत्काल सुधार गर्न सकिने कुराहरु तत्काल मैले निर्देशन दिएको छु र कार्यविधि चेन्ज गर्नुपर्ने भनौँ न कानुनी झन्झटहरु के छन् त्यस विषयमा पनि तुरुन्तै जस्तो अहिले 4 लेयरबाट काम भइरहेको छ भने सायद भोलिदेखि नै हामी 2 लेयरबाट भनौँ न अब एउटा टेबलबाट अर्को अर्कोबाट अर्को अर्कोबाट 4 टेबलमा जाने चिजलाई 2 टेबलमै 2 लेयरबाटै सिद्ध्याउने गरी हामीले कुरा गरेका छौँ। हाम्रो डिजी साहब पनि आउनु भएको छ डाइरेक्टर यहाँ सबैसँग छलफल भएको छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा यो अहिले मैले देखेको यो जुन चाहिँ नि टोकन सिस्टम छ टोकन सिस्टमलाई मैले अब सिरियसली अब जो जसले अब टोकन चाहिने छोडेको मैले आफैले पनि मेरै उपस्थितिमा पनि टोकन लगभग 200 बढी मेरै उपस्थितिमा छोडेको अवस्था त्यो टोकनको चाहिँ नि त्यो कोही भन्दा भोलि फ्लाइट छ त्यसको भन्ने कुरो त्यो टोकनले नचिन्ने भयो अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी सिरियसली अहिले मन्त्रालयमा गएर सचिवज्यूसहित हामी बस्छौँ र खालि मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि मन्त्री श्रेष्ठकै अनुगमनकै क्रममा सेवाग्राही सब एकैटा कामकै लेल 2-3 दिन लागत आयल आइके कारण पूर्व निर्धारित उडान छुटित आइ देखल गेल उपराग केने छल। टोकन देब 2 दिन धरि सेहो केला पर नै पाउने उपराग हुनका सबके रहल राति फ्लाइट छ होइन यो टोकन लिएर फेरि उता सरम काम गरेर अनि जाने फेरि उता कोरोना चेकमा जाने भोलि हाम्रो 10 राति फ्लाइट छ कसरी भ्याउँछ फेरि भ्याउँदैन भने उता म होटलको बुक गरेको छु सबै काम सबै कुरो गरेको छु होइन
तर अहिलेसम्म के पनि भ्याएको छैन। अब यो त तपाईँको चितवन के काठमाडौँबाट चितवन गएको त होइन, गाडीमा गएको होइन, अब भोलि फ्लाइट छ भोलि आइज भन्ने कुरा गर्छ। टोकन तपाईँको दिनमा 400 छोड्छ, 9 बजे छोड्छ, 12 बजे छोड्छ भन्छ, तपाईँको 10 सेकेन्डमा टोकन सकिन्छ। अनि तपाईँको 10 सेकेन्डसम्म सर्भर ह्याङ भएको भए हुन्छ, अहिलेसम्म हामीले टोकन पाएको छैन। एउटा लिमिटेड बजेट लिएर आएको हुन्छ हामी पैसा, हामी आएर 4 दिन भइसक्यो होटेलमा बसेको, होटेलमा पैसा तिरेको तिरेछ, अनि हाम्रो बुकिङ क्वारेन्टाइन हुन्छ कतारमा होटेल बुकिङ, त्यसको तपाईँको 712 रियल लाग्छ, तपाईँको त्यो भनेको नेपाली 22-23 हजार। अनि त्यो फ्लाइटको टिकट त साह्रो मिल्छ, तर त्यो साह्रो मिल्दैन हेर्नु जान पाउनु। अनुगमनके बाद मन्त्री श्रेष्ठ सेवा प्रवाहमे सुधारके काज नै भेल त कारवाही करबाक चेतावनी देने छलथि। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समग्र राजस्व प्रणालीमे सुधार करबाक प्रयास भ रहल बताउने छथि। दशम राष्ट्रिय कर दिवसके आई काठमाडौँमे आयोजित कार्यक्रममे अर्थमन्त्री शर्मा देशके आर्थिक विकासके महत्वपूर्ण क्षेत्र रहल राजस्व प्रणालीमे सुधार करबाक प्रयास भ रहल बताउने छथि। ओ कर विभाग के अवस्था गुप्त रखबाक विषय निक नै रहल कहे सार्वजनिक कर राजस्व कार्यालय के निर्देशन सेहो देलनि। पछिल्ला समय करदाता सबके बहुत उपराग आयल कहे ओहन उपराग सब संबोधन कर अलगे इकाई स्थापना कैल जेबाक ओ बतौलनि। पछिल्ला समय राज्य आ जनता केन्द्रित नीति बनौला पर कतेको उद्योगी व्यवसायी व्यक्तिगत आक्षेप लगबैत शक्ति केन्द्र जाय लागल कहत ओ राष्ट्र आ जनता के हित होय वाला निर्णय से पाछा नहीं हटत स्पष्ट कलन। अनौपचारिक क्षेत्र के अर्थतंत्र के औपचारिक क्षेत्र में लाभ नीतिगत सुधार के जवाब हुनकर कहब रहल छ। त्यो टेंडर अब स्वीकृति हुन्छ, त्यो टेंडर त अदालत पुग्छ, यहाँ स्टिकर छापिदैन, तल टास्नेले के टास्छ, नक्कली टास्ने त भइहाल्यो नि, हुँदाहुँदै त नक्कली टास्छ, नभए त स्वतः त्यही टास्छ। त्यस कारणले दोस्रो मेरो प्रतिबद्धता के भने स्टिकर सरकार आफैले छाप्छ, यो सरकार आफैले छाप्छ, यो भनेको ठुलो राजस्वको बचत पनि हो, अरबौँ पैसा यसमा गइरहेको छ, यो पनि आफै छाप्छ र यो स्क्यान राखेर भन्सारलाई पनि सहज बनाउँछ। स्ल्याब बढाउने कुरा मैले अघि भनिसकेँ, त्यसलाई बढाइने छ र सूचना दिनेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कुरा नीति लिइनेछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ, नीति त छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ र पूर्ण त्यसलाई कर प्रणालीलाई सब समग्रलाई डिजिटलाइज गर्नका लागि साना व्यवसायहरूलाई सफ्टवेयर बनाएर दिइनेछ, त्यो प्रणालीमा अर्डर राख्नका लागि, त्यसको लागि र ट्रान्जेक्सनको आधारमा एउटा निश्चित कारोबारसम्मलाई सहज रूपमा कर तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कार्यक्रममा विभिन्न संस्था कम्पनी आ व्यक्ति सबके सम्मान कयल गेल छ। कम्पनी दिस नेपाल टेलिकम सर्वाधिक कर तिर्वला कम्पनीके रूपमे सम्मानित भेल अछि। तहिना बैंकिंग समूहमे सबसे बेसी कर बुझाबैवलामे नवीन बैंक पड़ल अछि त लघुवित्त दिस छिमेक लघुवित्त सम्मानित भेल अछि। तहिना व्यक्तिगत दिस सबसे बेसी आयकर तिर्वलामे सिद्धार्थ शमशेर राणाके सम्मान कयल गेल अछि। निर्यात उद्योगमे डावर नेपाल सबसे बेसी कर बुझाकर सम्मान पौलक अछि। विशेष उद्योगमे सबसे बेसी आयकर बुझाबैवलामे एशियन पेंट्स पड़ल अछि। कृषि तथा पशुजन्यमे पूर्वांचल एग्रीटेक सम्मानित भेल अछि। वस्तु व्यापारमे भात फटेनी अस्पतालमे नोबेल हॉस्पिटल, पर्यटनमे तारागाँव रिजेंसी आ ऊर्जामे हिमाल पावर बेसी कर तिर्क सम्मानित भेल अछि। सबसे बेसी कर दाखिला करैवलामे सूर्या नेपाल सम्मान पौलक अछि। भ्याट समयमे बुझाकर घुराही सीमेंट सम्मान पौलक अछि। मध्यम स्तरके करदाता कार्यालयसँ सबसे बेसी कर बुझाबैवला कर्जा सूचना केन्द्र सम्मान पौलक अछि। नेपाल परिवार दल अगहन 4 र 5 गते तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमे करपा भेल अछि। आइ काठमाडौँमे पत्रकार सम्मेलन करैत काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमे महाधिवेशन हेवाक परिवार दलके अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकाल जानकारी देलनि। महाधिवेशनसँ परिवार दलमे 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 महामन्त्री, 5 सहमहामन्त्री, 1 कोषाध्यक्ष कक्कर जम्मा 101 कार्य समिति निर्वाचित हेबाक भेल अछि। कोरोना महामारीके ध्यान दैत मापदण्ड पालना कक्कर भौतिक आ अनलाइन दुनू तरिकासँ महाधिवेशन सम्पन्न करबाक दल जनौलक अछि।
परिवार दल के केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री एकनाथ ढकाल तेसर राष्ट्रीय महाधिवेशन के तैयारी पूरा भेल जानकारी दिलन। ढकाल एखन नेतृत्व कर रहा दल के नेता सब पुराने सोच से विचलित भेल आरोप लगौने छलखे। हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन, यो समयको बर्बाद मात्रै गर्छ भनेर हामीले पहिलो सुरुमा के भन्यो भन्दाखेरि सुसंस्कृत कल्चर सभ्य अनुशासित समाज हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले जोड दियौँ। दोस्रो कुरा हामीले भन्यौँ कि परस्पर समृद्ध, समृद्ध भनेको शासक वर्गको मात्रै समृद्धि भएर हुँदैन, प्रोस्पेरिटी फर अल, सबै 126 जाति 123 भाषाभाषी हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, तराईमा बस्ने, धनी गरिब सबैको समृद्धि चाहिँ हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ, त्यस्तो किसिमको प्रणाली हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीले समृद्धिको कुरा गर्यौँ। र तेस्रो भन्यौँ कि यो नेपाल एकल जातीय नेपाल होइन, एउटा मात्रै भाषा बोलिने नेपाल होइन, यो एउटा मात्रै प्रकृतिको भूगोल भएको देश होइन, एउटा विविधता भएको मुलुक हो, यसमा एकता चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, दलित, ओबिसी, विभिन्न वर्ग समुदाय, खस आर्य, दशनामी, भित्र पनि गिरिपुरी, सन्यासी, सरस्वती, भारती, वन होइन, सबै जुन 126 जात जाति छ र 123 भाषाभाषी छ सब। ढकाल हिमाल, पहाड, मधेस, धनिक आ गरिब सबके प्रतिनिधित्व होब जका सबके समेट अपन दल खोजने से दावी कलन। अपन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रणाली में जेबाक निर्णय कने से हो ओ बताने छलखे। सरकार आई से ई पासपोर्ट विद्युतीय राजधानी जारी कर शुरू कलक। राजधानी विभाग त्रिपुरेश्वर में परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी के पहल ई पासपोर्ट हस्तांतरण कलन। सरकार मशीन रिडेबल पासपोर्ट MRP के विस्थापित कर जका ई पासपोर्ट जारी कलक। ई पासपोर्ट सर्वसाधारण के लिए अगहन 15 गते से पूर्ण रूप में वितरण शुरू कल गए राजधानी विभाग जनौलक। कार्यक्रम में मंत्री खड़का ई पासपोर्ट सब जिला विभिन्न नियोग से वितरण होबाक बतौलन। राजधानी लेबाक लेल लंबा लाइन रह पड़बाक बाध्यता अब हटत है, वो अब सब काम ऑनलाइन प्रणाली से हैत उल्लेख कलन। मंत्री खड़का देश के समुन्नत बनाकर नेपाल के स्वाभिमान आ सम्मान के अंतर्राष्ट्रीय जगत में चिन्हाव के नेपाल राजधानी के सम्मान थपत जिकिर कलन। हमें इसका प्रावधान अनुरूप हमें यह पासपोर्ट जारी गर्नुपर्ने पनि भएको हुनाले यो पासपोर्ट अब हामीले पसलमा ल्याएका हौँ। अहिले भनिहाल्नुभयो महानिर्देशकज्यूले केही समय लाग्छ, डिसेम्बरको दोस्रो हप्ताबाट यो टाइमसम्म जरुरी पर्ने साथीहरूले मेसिन रेडेबल पासपोर्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, माग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि क्रमिक रूपमा यो देशका 77 जिल्ला अनि 18 पालिका प्रशासन चाहिँ केन्द्रहरू 40 नियोगहरूबाट यो क्रमिक रूपमा वितरण हुन्छ। र अब केही दिन अगाडि जुन लामो लाइन हामीले बस्नु पऱ्यो त्यसमा मिडिया साथीहरूले पनि यो पनि गरिदिनु भयो, जानकारी गराउनु भयो। अब यो पुरै अनलाइन मार्फत बसी बसी आफ्नो जहाँ बसेको छ त्यहाँबाट त्यहाँबाट जिल्ला प्रशासनका सबै उनीहरूले भर्छ त्यहाँबाट कम्युनिकेट। तहिना शताब्दी पुरुष जोशी पासपोर्ट नागरिक के पहचान रहल है, नया प्रवृत्ति से समस्या झेल पड़बाक समस्या समाप्त भेल विश्वास व्यक्त कलन। के हो आफ्नो जाति भेज होला अथवा टाइट टाइट लगाएको भए पनि अर्कै किसिमको होला, किन जाने त हुँदैन नेपालीहरूको पनि, किन कल्चर डाइभर्सिटी भएको मुलुकमा एक्लै अर्कोलाई चिन्न त गाह्रो हुन्छ। तर जो पासपोर्ट झिकेर देखाउँछ उसले पनि पासपोर्ट देखाउँछ, उसले पनि पासपोर्ट देखाउँछ, उसले पनि पासपोर्ट देखाउँछ, चारैवटा एउटै नेपालको पासपोर्ट भएपछि त यो के नेपालीमा एउटा नेपाली पनि आउँछ कि त्यसको बयानै हुँदैन। हामी त नेपाली रहेछौँ, गुरुङ होइन, मगर पनि नेवार पनि केही पनि, हामी त नेपाली रहेछौँ। त्यो राष्ट्रिय भावना औबोधन हुने छ, यति राम्रो काम दिन्छ तपाईँ यो पासपोर्टले भने यस्तो किसिमको पासपोर्टको यो फरेन पोलिसी अहिलेको सरकारको जुन फरेन पोलिसी त्यसको सफलताको एउटा चिन्ह हो। अब यसले प्रगति गर्दै
नेपाल में सन 2010 के दिसंबर 26 से हस्तलिखित पासपोर्ट के हटाकर मशीन रीडेबल पासपोर्ट एमआरपी लागू केने छ। विश्व के विकसित देश सब लागू कचोकर ई पासपोर्ट प्रयोग कर लगला के बाद नेपाल सेहो नया पासपोर्ट लागू कल टूडे प्राइम समाचार अखन के लिए इतने हम प्रमोद की विदा दिया देखते रहे टीवी टूडे जनकपुर नमस्कार।